तो गाइस आज हम जा रहे हैं सुराबर्डी। आप देख सकते हो आगे में बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से अभी अंदर जाना है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर अपने को अंदर जाना पड़ता है, वहां पे आपको सुराबर्डी मिलेगा। तो चलो चलते हैं सुराबर्डी की ओर। सुराबर्डी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो ये सुराबर्डी का बोर्ड है और यहाँ का एंट्री गेट है ये। हमें यहाँ से आगे अंदर जाना है। यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पे आके आपको टिकट निकलनी है। टिकट कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 रुपीज है, तो हम तो टिकट दे ही सकते हैं, 30 रुपीज तो दे ही सकते हैं। तो यहाँ से टिकट काउंटर से आपको टिकट लेना है। पार्किंग की भी यहीं पर मिल जाती है। ये आप देख सकते हो इधर पार्किंग एरिया है, ये यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ पे आके यहाँ से टिकट लेकर यहाँ से आपको अंदर जाना है। आ चुके हैं और मेरे के बहुत ही करीब आ चुके हैं। ये आपको बाहर का दृश्य देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा और कितना सुंदर है। यहाँ पे आकर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलने वाला है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये बनाया गया है। इसकी मतलब अभी 3 साल लग गए हैं पूरा कंप्लीट होने को। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्ति है। और जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनको यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भोलेनाथ के भक्तों के लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। तो प्लीज़ आप आइए और यहाँ पे आके हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ आपने रामायण तो देखी होंगी। आप देख सकते हो रामायण का दृश्य, जहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, राम जी खड़े हैं। और ये वहाँ का दृश्य है जो जब राम जी को पूरा समुद्र पार करना था, ये वहाँ का सीन यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा पानी बनाया गया है और यहाँ पे एक पत्थर भी है जो दिखाया गया है ऐसा। ये डूबता नहीं है, यहाँ पे ऊपर ही है ये। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये, मतलब बहुत ही क्रिएटिव माइंड से ये बनाया गया है। और इस साइड भी आप दिखाइए, इस साइड आप देख सकते हो कितने कितना सुंदर ये बनाया गया है। आप आइए यहाँ पे और नागपुर में आके, नागपुर से बहुत करीब है ये, आपको आगरा में आना पड़ता है। फिर वहाँ से 2 किलोमीटर आगे आके आपको अंदर 1.5 किलोमीटर आपको आना पड़ता है। वहाँ से हम ऊपर जाएंगे और अंदर में एक गुफा है, वहाँ के दर्शन करेंगे। फिर हम यहाँ से सीधा ऊपर की ओर जाने वाले हैं। यहाँ पे एक गुफा है, काफी अच्छी गुफा है और बहुत ही रहस्यमय गुफा है। आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए आप। यहाँ से हमें जाना है ऊपर की ओर। इस गुफे के अंदर जाने के लिए टिकट आपको वहाँ से ही लेना पड़ता है, तो इसका प्लीज ध्यान रखिए। यहाँ की टिकट आप टिकट काउंटर से पहले ले लीजिए, नहीं तो आपको अंदर से जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से हम अभी हमारे शूज निकालते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो अभी हमको यहाँ से अंदर जाना है। यहाँ से बहुत ही काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, ये लाइन लगाना पड़ता है यहाँ से हमको। आप आइए मैं बताता हूँ, यहाँ से हमको अभी अंदर जाना है। ये रास्ता सीधा जाता है गुफा के अंदर और हमें शायद गुफे के अंदर का हम स्क्रीन मतलब ले नहीं पाएंगे वीडियो, क्योंकि यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है कि हम अंदर में जाकर वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ बाहर का ही दिखेगा। तो आप बाहर का भी देख सकते हो। बस यहाँ तक आप यहाँ तक आप देख सकते हैं, हम अंदर जाके शूट नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन नहीं है। तो आप कर सकते हाँ ओके 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 चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये मूर्ति आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है यहाँ पे और ये नागपुर में है।
आप नागपुर में सूरावड़ी में आइए और आपको इस मूर्ति के दर्शन मिलेंगे और आप जरूर आइए और यहाँ पे आके गणपति बप्पा के दर्शन लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो हम आप आगे चलते हैं, आपको इनके बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे। तो ये इसका सबसे बड़े भाई है तो अंदर में भी है ना बहुत सारे लोग। इसके बारे में कुछ बताओ। नहीं तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने ही आश्रम बनवाया है। तो अब हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। ये गुफा का रास्ता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड लगा है और आपको यहाँ पे पहले आके टिकट दिखाना है। टिकट आप दिखाओगे उसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। हम भी टिकट दिखाएंगे, हमने भी टिकट ली है। पहले हम टिकट दिखा देते हैं तो हमको भी जाने मिलने वाले है। ये हमने टिकट दे दिया इनको, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो अब हमको परमिशन मिल गई है, हम अंदर चल रहे हैं। अभी दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। इसे 3 साल लग गए हैं बनाने में। ये मल्लिकार्जुन है यहाँ पे, यहाँ इनकी जो ज्योतिर्लिंग है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से यहाँ पे बहुत सारी ज्योतिर्लिंग है। तो ये सबसे पहले श्री मल्लिकार्जुन की है, तो आप इनके दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। और ये लाइन से यहाँ पे ये हमारे श्री महाकालेश्वर जी की ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे भी आप आके दर्शन लीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। तो आगे चलते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, आप लोग भी आओ और यहाँ पे आके। और ओमकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग भी हमने यहाँ पे हमारे नागपुर में देखने मिलती है आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ज्योतिर्लिंग मतलब रखी है। ठीक है, हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही एंटर करोगे गुफा के अंदर, तो आपको श्री मल्लिकार्जुन जी की ज्योतिर्लिंग यहाँ पे देखने में मिलेंगी। ये सबसे फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है जो सबसे पहले यहाँ पे स्थापित की गई है। तो आप जैसे ही एंटर होते हो गुफा के अंदर, तो आपको सबसे पहले ये ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जस्ट उनके बाजू में श्री महाकालेश्वर जी की ज्योतिर्लिंग है, ये यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये सब लाइन से ही की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। हर नंबर पे आप देख सकते हो श्री ओंकारेश्वर जी की ज्योतिर्लिंग है, जो ओंकारेश्वर में बहुत बड़ी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे छोटी सी ज्योतिर्लिंग स्थापित की है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं। आप आगे गाइस, आप जब आओगे तो प्लीज सेफ्टी से आइए, क्योंकि ये गुफा है आपको तो पता है। तो यहाँ से हमें अब झुक कर जाना है। तो मुझे तो काफी मजा आ रहा है आगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे में और क्या देखने मिलने वाला है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे केदारनाथ जी की भी हमने मूर्ति स्थापित की गई है। तो आप केदारनाथ ना जाते हुए आप नागपुर में आकर, सूरावर्डी में आकर यहाँ पे केदारनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति यहाँ पे हमने विराजमान की है। तो हम आगे चलते हैं। ये श्री भीमा शंकर जी की ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित की गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारे भोलेनाथ जी की मूर्ति कितनी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। और ये जो सजावट है बहुत ही अच्छी लग रही है। आप आइए और यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे आप फोटो शूट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परमिशन नहीं है, लेकिन आप फोटोज निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अभी निकालने वाला हूँ एक फोटो। तो गाइस, अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये देखिए, आपको यहाँ से झुक के जाना है, नहीं तो आपको ये लग सकती है, काफी जोर से लग सकती है। इसलिए आपको यहाँ से झुक के जाना है। और आपको तो पता है ये गुफा है, तो गुफा में हमेशा अपने सेफ्टी से चलना चाहिए। तो हम चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक और ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई है श्री विश्वनाथ जी की, आप देख सकते हैं। ये एक
इधर कैमरा दिखाइए, आप देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको दिखाया गया है, इसे काफी टाइम लगा है ये सब बनाने के लिए, और आप देख सकते हैं पूरा मुझे कितना सुंदर लग रहा है। जब अपने मार्कंडेय भगवान ने बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की थी तो उनको संतान नहीं हो रही थी, उसके लिए उन्होंने तपस्या की थी तो उनको मार्कंडेय के रूप में एक संतान प्राप्त हुई थी। तो जो यमराज थे हमारे वो उनको लेने के लिए आए थे। यमराज जी और शिव जी के बीच काफी बड़ा युद्ध हुआ था क्योंकि यमराज जी को उन्हें वापस ले जाना था, तो उनके बीच काफी युद्ध हुआ। उसके बाद यमराज परास्त हुए थे, तो यमराज के परास्त होने के बाद शिव जी ने उनको आजीवन जीने का वरदान दिया था। तो ये आप उसका दृश्य देख सकते हो, काफी सुंदर तरीके से इसे दिखाया गया है, तो आप दिखाइए। तो इस यहाँ पे श्री रघुनाथ जी की ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई है, ये सारी ज्योतिर्लिंग सारी लाइन से स्थापित की गई है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ज्योतिर्लिंग देखने मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्री रामेश्वर जी की ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित की गई है। आगे आते हैं, आगे आपको देखने मिलेगा श्री रणेश्वर जी की ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, और इस साइड अगर आप आते हो तो ये हमारे श्री नागेश्वर जी की ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पे बहुत जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वो सारे यहाँ पे स्थापित की गई है। सो गाइस आप ये दृश्य देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है, और आप सबको इनके बारे में पता होगा, हमारे विष्णु भगवान जी जो है अपने सुदर्शन चक्र से सबकी रक्षा करते थे, अपने भक्तों की रक्षा करते थे। तो वही हमारे विष्णु भगवान जी ने शिव जी की तपस्या कर बहुत घोर तपस्या कर उनकी पूजा में उनका एक बहुत ही कीमती फूल उनकी पूजा पूरी करने के लिए वो उनको अर्पण किया था। शिव जी इनसे बहुत प्रसन्न हुए थे, तो तब शिव जी ने इनको वो चक्र विष्णु जी से इंद्र जी से लेकर इनके पास दिया था। तो ये वो दृश्य है। गुफा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड देखने को मिल जाएगा, यहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं। अब हम यहाँ से ऊपर जाकर नौ दुर्गा के दर्शन करेंगे। हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह कैमरे लगाए हैं, और इतनी अच्छी तरीके से ये बनाया गया है, बहुत ही टाइम लगा है ये बनने को, लेकिन बहुत ही अच्छे से और एक एक चीज इतनी अच्छी से कवर की गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। आप भी आइए और यहाँ पे आके मजे कीजिए। सबसे पहले आप जैसे ही नवदुर्गा गुफा में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले माँ शैलपुत्री के दर्शन होंगे। यहाँ पे माँ शैलपुत्री की पूरी की पूरी मूर्ति विराजमान है, तो सबसे पहले आपको इनके दर्शन होने वाले हैं यहाँ पे आके। जैसे ही आगे आते हो तो आपको श्री ब्रह्मचरणी माता के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से मूर्ति को सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो हम अब यहाँ से आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो श्री माँ चंद्रघंटा जी को, यहाँ पे इनकी मूर्ति विराजमान है, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये मूर्ति, और आप प्लीज कवर कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप आके यहाँ पे इनके दर्शन कर सकते हो। हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा आगे आते हो तो आपको जस्ट इनके बाजू में ही श्री कुष्मांडा माँ के दर्शन होते हैं, जो यहाँ पे उनकी मूर्ति की विराजमान की गई है, तो आप देख सकते हैं। तो हम अब यहाँ से आगे चलते हैं। उसके आगे आने के बाद जस्ट उनके बाजू में यहाँ पे माता श्री कर्मिता के दर्शन आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कद माता के दर्शन आप कर सकते हो। हम और थोड़ा आगे आते हैं तो उनके ही बाजू में माँ कात्यायनी के दर्शन आप कर सकते हो। इतनी प्यारी तरीके से सजावट की गई है मूर्ति की,
बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, आप जरूर आइए सूरागढ़ी और यहाँ का लुक आइए। इसके जैसे हम बताओ आगे आके माँ कालरात्रि के दर्शन आप कर सकते हो। ये भी बहुत ही सुंदर मूर्ति है और कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे आके आप देख सकते हो। हाँ आगे बढ़ते हैं, हम आज आपको सारी नौ दुर्गाओं के दर्शन करा रहे हैं। हमने आपको पहले ही जब हम ऊपर आए थे तब आपको बताया था, तो यहाँ पे उसके बाद हम माँ गौरी के पास आप देख सकते हैं हमारी माँ गौरी की मूर्ति है यहाँ पे विराजमान है। ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। उसके जस्ट बाजू में आप आगे आते हो तो आपको श्री सिद्धिदात्री माता के दर्शन होने वाले हैं और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये बनाई गई है मूर्ति और कितनी सुंदर लग रही है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे हम अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम आपको वैष्णवी देवी की गुफा के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे काफी यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड दिख जाएगा, नोटिस बोर्ड के आगे हम चलते हैं। थोड़ा थोड़ा चलना है आपको गाइस, ज्यादा पैर दर्द करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कवर किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है ये इस गुफा को। गाइस टाइम तो लगा है इस गुफा को बनने के लिए लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो गाइस आप देख सकते हो वहाँ वैष्णो देवी को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इनको सजाया गया है और सूरागढ़ी में आप आइए और यहाँ पे आके माता के दर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट की गई है इस गुफा में वैष्णो देवी माता की। आपको वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप नागपुर में रहते हो और अगर आप सूरागढ़ी नहीं आए हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। आप यहाँ पे आइए और माता के दर्शन करिए और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाया गया है, तो प्लीज आप आइए और यहाँ पे आके माता के दर्शन कीजिए। अब हम यहाँ से आपको दिख सकता है ये बाहर जाने का रास्ता है हमारा, हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तो आइए गाइस गो। काफी संभल के आना है आपको क्योंकि ये गुफा है और अपनी सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पे लाइट्स लगे हैं गाइस, उतना वरी करने की जरूरत नहीं है, बट आप प्लीज देख कर आइए। और यहाँ पे भी यहाँ से स्टेप्स लग गए हैं तो आप थोड़ा संभल कर आइए। अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं तो गाइस अब आप जैसे ही बाहर की ओर निकलते हैं तो आपको शनिदेव के दर्शन होने वाले। आप देख सकते हो यहाँ पे शनिदेव की मूर्ति भी विराजमान की गई है, तो आप यहाँ पे आके शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। जब मैं गुफा के बाहर आ चुका हूँ और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पे सारी तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आने वाली है। आप इधर देख सकते हो सारे जगह पे हरियाली है और इतनी फ्रेश एयर चल रही है यहाँ पे और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे आके सारी अपनी टेंशन भूलने वाले हो और आपको काफी मजा आने वाला है। आप प्लीज आइए, हमारे नागपुर में बना है ये सूरागढ़ी, तो आप प्लीज यहाँ पे आकर यहाँ के मजे लीजिए। आप देख सकते हो कितनी मेहनत, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कितनी मेहनत लगी होंगी ये बनाने के लिए। ये गुफा मतलब जिन्होंने भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये गुफा, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये हम अब बैक साइड में है, ये हम आपको बैक साइड का एरिया दिखा रहे हैं। काफी सुंदर तरीके से ये सजाया गया है, बनाया गया है और बस अब हम घर की ओर निकलते हैं, आगे चलते हैं, हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। ये मूर्ति जिसने भी बनाई गई है ना, मतलब उसको तो हैट्स ऑफ है यार, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और इतनी सुंदर तरीके से दिखाया है ना, मतलब दिल जीत लिया यार। वो अगर मुझे मिल गया ना वो बंदा तो मैं उससे अपनी भी बनवाने वाला हूँ। काफी सुंदर लग रही है यार गाइस, आप देख सकते हो। तो जब भी आप आते हो नागपुर में तो सूरागढ़ी आप जरूर आइए और यहाँ पे आके
इस गुफा में जाके सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए। यहाँ पे आपको नौ दुर्गा भी देखने मिलेंगी जो अभी अभी बनाई गई है, तो ऊपर जाकर आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो आप वहाँ पे ऊपर जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। सो बस यही तक था, ये हमारा एंड है। ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसे काफ़ी टाइम लगाया गया, इस बहुत मेहनत लगी है, उसके बाद ये बनाया गया है। तो हमारे जो सुधांशु जी महाराज है, उनका आश्रम है ये, उन्होंने उनकी काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे, तो उन्होंने ही ये यहाँ पे बनवाया है। तो आप प्लीज़ नागपुर जब भी आते हो तो सुराबर्डी आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए। मंदिर के बाहर आते हो ना तो सबसे पहले आपको ये गार्डन मिलने वाला है, आप ये गार्डन में बैठ कर यहाँ पे आराम कर सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो यहाँ पे, ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया गया है यहाँ पे। इधर भी बहुत जगह है, उधर आपको कुछ झूले देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हो, आप जूम करके दिखा सकते हो वहाँ पे। तो बहुत ही बड़ा एरिया कवर किया गया है यहाँ पे। और श्री सुधांशु जी महाराज का आश्रम आप वहाँ देख रहे होगे, वो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाकर जो भी हमारा खाना बना है वहाँ पे आप जाकर खा सकते हैं। और ये गार्डन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आप आइए और यहाँ का जो सीन है वहाँ का, वहाँ के मज़े लीजिए। गार्डन में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपको भूख लगी हो तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो। मतलब मुझे तो बहुत भूख लगी थी तो मैंने तो खा लिया है। अब आप भी आके यहाँ पे कुछ अपना पेट पूजा कर सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने तो खा लिया है। अब यहाँ से हम आगे जाने वाले हैं, यहाँ पे आगे एक सुधांशु जी महाराज का आश्रम है, हम वहाँ जाके अब बैठेंगे। तो चलो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। जैसे ही आप वहाँ से निकलते हो तो आपको यहाँ पे गणपति जी के दर्शन होने वाले हैं, गणपति बप्पा के। तो गणपति बप्पा की मूर्ति बहुत ही अच्छी, प्यारी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे विराजमान है। आप सुराबर्डी आकर आप देख सकते हो, और यहाँ की एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से बनाई है। आप जब भी नागपुर आते हो तो सुराबर्डी ज़रूर आइए और यहाँ पे आकर सुधांशु जी महाराज के इस एरिया में ये जो बना है मंदिर, बहुत ही अच्छा बना है, तो आप यहाँ पे आके अच्छा लुक उठा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं आश्रम में, अभी फिलहाल तो बंद है क्योंकि सुधांशु जी महाराज नागपुर में है नहीं, तो ये आश्रम फिलहाल अभी ऐसे बंद कर दिया जाता है। तो जब भी सुधांशु जी महाराज आते हैं तो यहाँ अपना प्रवचन सुनाते हैं और यहाँ पर पब्लिक बैठती है, तो ये काफी अच्छा बनाया गया है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। गाइस, अब हम जो यहाँ पे एक प्लेइंग ग्राउंड है वहाँ पे हम जा रहे हैं आपको ले जाते हैं। और यहाँ पे आंटी लोग हैं बहुत सारी जो बहुत मेहनत करती है दिन भर, आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रही है। तो ये इनका पूरा मतलब क्लीनलीनेस रखने का काम इनका ही होता है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने साफ सफाई रखी है यहाँ पे, आप आकर देख सकते हो। आप जब भी नागपुर में आओगे तो सुराबर्डी जरूर आइए और आप देखिए यहाँ पे बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। तो अब हम आगे चलते हैं प्लेइंग जोन की तरफ, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो हम अभी ग्राउंड के पास पहुँच चुके हैं, प्लेइंग ग्राउंड की तरफ आ चुके हैं। गाइस, आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी आइए और यहाँ पे जो है अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको लेके आइए, बहुत अच्छी जगह है ये। तो हम प्लेइंग ग्राउंड की तरफ आ चुके हैं। तो ये लड़की को आप देख सकते हो, वाह वाह कर रही है, मतलब इस बच्चों को आप लेके आइए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया है, अभी प्लेइंग जोन में है। आप देख सकते हैं ये बच्चों का ट्रैक है, जो मिलिट्री ट्रैक होता है ये बच्चों का, यहाँ पे हमारे जो किड्स है वो यहाँ पे आके खेल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा सा एक पुल बनाया गया है यहाँ पे, हमारे मतलब 3 साल से 4 साल से लेकर बच्चे यहाँ पे आके खेल सकते हैं, तो ये उनके लिए है। और ये पूरा प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम नहीं खेल सकते, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, तो सिर्फ बच्चे ही खेले, बड़े नहीं। तो हम आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हो। आप देख सकते हो ये डैशिंग कार, ये भी बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं
अगर आप आते हो अपने बच्चों के साथ तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे, यहाँ की ज़्यादा कुछ टिकट है नहीं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में है ये प्लेइंग जोन, तो आप जब भी आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आए। मंदिर से निकलते हो बाहर तो आप यहाँ से सीधा, यहाँ से एक रोड जाता है आगे, तो यहाँ पे एक सामुद्री भवानी मंदिर है जहाँ पे आप भवानी माता के दर्शन कर सकते हो। तो आप जब भी सुरावर्डी आते हो तो ये रास्ता जाता है, आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ से ये बोर्ड पढ़ लेना, यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हो, जो सीधा रोड माता भवानी मंदिर जाता है वहाँ पे आप जाइए और माता के दर्शन कीजिए।